सब नूं सत श्री अकाल जी। दोस्तों अज असी तुहानू अक दे पौधे दे कुछ अजिहे लाभदायक गुणों के बारे दसण जा रहे हैं जिन्हां नूं जाण के तुहानू बड़ी हैरानी होवेगी, क्योंकि अक आम ही पिंडां शहरां दे नेड़े पाया जाण वाला एक पौधा है जिसनों ज़्यादातर लोग जहरीला समझ के इस वल ध्यान नहीं देंदे, पर जो तुसी इस दे गुणा बारे जाणोगे तां हैरान हो जावेगे। कई बहुत ही जटिल रोगों नूं जड़ तो खत्म कर देंदा है ये पौधे दे वख वख भाग। एक बेनती है कि जेडे सज्जन चैनल नाल नवें जुड़े ने वो चैनल नूं लाल बटन दा निशान दबा के सबसक्राइब जरूर कर लैन, नाल बैल आइकोन दबा देन तां कि हर वीडियो दा नोटिफिकेशन सब तो पहला तुहानूं मिल सके। दोस्तों इस दे गुणा बारे जानण तो पहला कुछ इस पौधे की सही जानकारी तुहानूं दस दिए, जिवें कि साढ़े आले दुआले कुछ अजिहे पौधे हुंदे ने जिन्हां बारे असीं अनुसरण हुंदे हाँ अणजाण हुंदे हाँ, अते कुछ अजिहे पौधे हुंदे हन जो जहरीले भी हुंदे ने पर इस दे नाल ही साढ़े शरीर नूं बहुत कीमती गुण प्रदान करदे ने। इन्हां बारे जानकारी ना होण करके असीं इन्हां तों दूर रहिंदे हाँ। इस तरह का ही एक पौधा है अक दा पौधा जिस नूं शिवलिंग ते चढ़ाया जांदा है। अक दे पौधे नूं मंदार अक जां पार्ट अकुआ दे नां नाल जाणिया जांदा है। इस दी उचाई 8-10 फुट तक हो सकती है ते ये गर्म अते खुशक जमीन ते उगदा है। इस दे पत्ते हरे अते मोटे आयताकार हुंदे ने जो करीब 4 इंच लंबे ते 2 इंच चौड़े हुंदे ने। इस दे फुल वाशना रहित भाव गंधहीन हुंदे ने। फल 2-3 इंच लंबे ते मुड़े हुए अते बीज महीन रेशम दे समान गुच्छेदार रूई वर युक्त छोटे ते चपटे हुंदे ने। इस दीआं टाणियां अते पत्तियां नूं तोड़न ते दुध निकलदा है जिस दा अक्खां विच पैणा खतरनाक हो सकदा है। अक दे जिहड़े होर नाम ने उह वी दस दईए। अक नूं अंग्रेजी विच क्राउन फ्लावर कहा जांदा है ते इस दा बोटैनिकल नाम क्लोरोट्रोपिस गिगांटस है। इस नूं अक आकड़ा आकुआ मदार अकवण अक आदि नाम नाल जाणिया जांदा है। इस दीआं कई उप प्रजातियां हुंदियां ने जिस दे फुल सफेद नीले हल्के जामणी जां सफेद मिश्रित जामणी हुंदे ने। अज असीं तुहानूं अक दे पौधे दे अजिहे लाभदायक गुण दस रहे हां। सब तो पहला जिहड़ा फायदा है वह अस्थमा साह छाती दे रोगियां नूं है। इस दे फुल्लां नूं सुका के रोजाना इस दा चूरण खाण नाल अस्थमा फेफड़ियां दे रोग अते शरीर दी कमजोरी दूर हुंदी है। एक बारी फिर दस दे कि जिहड़े इस दे फुल ने ओह बिल्कुल फिक्के हुंदे ने जिवें तुसीं इस वीडियो दे विच वेख रहे हो। असीं इन्हां फुल्लां बारे गल कर रहे हां। अगे गल करदे हां खुजली दी जिन्हां नूं खुरक हुंदी रहिंदी है। चमड़ी विच एलर्जी जां रुखेपन दे कारण खुजली दी समस्या हो जांदी है। इस तों छुटकारा पाउण दे लई इस दी जड़ नूं साड़ लवो। इस दी सवाह नूं कौड़े तेल विच मिला के खुजली वाली जगह ते लगाओ, खुजली दी परेशानी दूर हो जाएगी। ये तेल पंसारी दी दुकान तो बहुत सौखे ही मिल जाता है। अगे गल करदे हां शूगर दी। शूगर एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। रोजाना सवेरे इस पौधे दीआं पत्तियां नूं पैर दे थले रख के जुराबां पा लवो। रात नूं सौण तो पहलां पत्तियां नूं कढ दिओ। एक बारी फिर दस दिए कि जिहड़े शूगर दे रोगी ने ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ
इस दा दुद्ध बहुत ही कीमती है, पर उसनू जेकर अखां विच दर्द हो रहा है तां अखां दे उपर नहीं लगाउणा, सगों पैर दे अंगूठे ते लगा के मालिश करनी है। है ना एक अचंबे वाली गल, पैर दे अंगूठे ते लाउण तों बाद हौली हौली अखां दा दर्द खत्म हो जाएगा। जेकर किसी दे वाल झड़दे ने तां इस तों निकलण वाले दुद्ध नू जेकर झड़दे वालां विच लगाया जावे ना उस थां ते वाल आ जांदे ने। चलदी गड्डी विच कईआं नूं कई वार उल्टी दी समस्या हुंदी है। जेकर किसी नूं चलदी गड्डी विच उल्टी आउंदी है तां जिस साइड तों तुसीं साह ज़्यादा लै रहे हो उस पैर दे थले इस दे पत्ते रखणे चाहीदे ने। इस नाल यात्रा विच कोई तकलीफ नहीं होवेगी। एक होर नोट करवा दिए कि जिहड़े दवाइयां वाले पौद्यां विच केवल सफेद अक दी ही वरतों करनी चाहीदी है। नीलियां किस्मां ज़्यादा जहरीलियां हुंदियां ने, उन्हां दी वरतों खाण विच नहीं कीती जा सकती। ये ध्यान रख्या जावे कि आपां सफेद फुल्लां वाले अक दी वरतों ही करनी है। केवल बाहरी प्रयोग वास्ते आपां इस दी वरतों कर सकते हैं, इस नूं खाना उचित नहीं समझा जाता। अक दे पौधे की वरतों करन समय सावधानी रखो क्योंकि यह काफ़ी जहरीला हुंदा है। इस नूं वरतन समय अपनी अखां इस तों दूर रखो ते जेकर संभव होवे तां इस दी वरतों तों पहलां योग चिकित्सक या आयुर्वैदिक माहिर की सलाह जरूर लै लवो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सिक्ख्या दे परपज नाल तुहाडे तक पहुँचदी कर रहे हैंगे। सो कृपा करके इन्हां साडा मुख मनोरथ अपनियां जड़ियां बूटियां जिहड़ियां कि साडे वेदां वैदां दे विच दसियां गईआं ने उन्हां दे बारे च जानना, उसकी सही वरतों करना साडा यही मनोरथ सी कि तुसीं अपनी जड़ियां बूटियां जिहड़ियां नेड़े तेड़े बहुत ही बेशकीमत ने उन्हां बारे चंगी तरह जाण लवो। दिओ याद बहुत बहुत धन्यवाद।